कि अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आप कौन से ड्रग ले सकते हो। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, फार्माकोलॉजी के लिहाज से एमसीक्यूज भी आते हैं, एसक्यू भी आते हैं। इसके अलावा आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, अगर किसी को पेन है तो आप कौन सी दवाई लोगे, ठीक है, आपको सर में दर्द है, माइग्रेन है तो आप कौन सी दवाई लोगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलजीए कहते हैं हमारे पास पेन को प्रेक्सिया भी कहते हैं, पैरासीटामोल लोगे, ठीक है। अगर आपको अक्यूट, अगर किसी को जो है अक्यूट ब्रोंकल अस्थमा है तो आप सल्बुटामोल लोगे। अगर अक्यूट गाउट है, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में गाउट पेन, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आप एनसेड लोगे, ठीक है। एनसेड का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लोगे। अगर आपको हाइपरकलेमिया है, पोटेशियम ज़्यादा बॉडी में, तो कैल्शियम कार्बोनेट लोगे। अगर आपको डिजिटलिस टॉक्सिटी हार्ट प्रॉब्लम है तो आप डिजीपाइन लोगे। अगर आपको माइग्रेन है, ठीक है, तो अगर आप सर में दर्द है, पीछे सर में दर्द है तो आप सोमाटोप्टन लोगे, ठीक है। अगर आपको चीज रिएक्शन है, ठीक है, मतलब कि आप एलर्जी हो तो आप फेंटोलामीन लोगे। अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग है तो आप फाइजोस्टिगमीन लोगे। साइनाइड पॉइजनिंग है तो माइलनाइट्रेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग है तो आप फ्लोमेक्सिनिल लोगे, ठीक है। अगर कोलरा टेट्रासाइक्लिन लेनी पड़ेगी, काला अजर है तो लिपोसोमल या फुटरसिन बी ले लो आप। अगर आपको आयरन पॉइजनिंग है, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस हो गई है तो आप डेक्सप्रोक्सामीन ले सकते हो। अगर आपको MRSA है, ठीक है, तो आप वैनकोमाइसिन जो है, MRSA का मतलब है हमारे पास जो है ना मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन है, तो आप वैनकोमाइसिन लोगे। अगर आपको VRSA मतलब अगर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट है स्टेफलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन, तो आप लेंजोलेट दोगे। अगर आपको वारफरीन ओवरडोज हो गई है, वारफरीन ले लिया तो विटामिन के लेनी पड़ेगी आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए। अगर किसी को जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो फ्लोक्सिटीन लेगा। अगर कोल पॉइजनिंग है तो आपको फोमीपाइजोल लेनी पड़ेगी। अगर आपको एपिलेप्सिन प्रेगनेंसी में आपको एपिलेप्सी दौरे पड़े, फिनोबारबिटोन लेनी पड़ेगी। एनाफिलैक्टिक शॉक है आपको, एनाफिलैक्सिस है, ठीक है, तो आपको एड्रेनालिन लेनी पड़ेगी। अगर आपको MRSA इन्फेक्शन है, वैनकोमाइसिन है। अगर प्रेगनेंसी में मलेरिया तो क्लोरोक्विनिन लेनी पड़ेगी। अगर वूफिंग कफ है, पर्ट्यूसिस है, वूफिंग कफ पर खांसी है तो एथ्रोमाइसिन लेनी पड़ेगी। कावासाकी डिजीज़ है, मतलब कावासाकी डिजीज़ कहते हैं कि वैस्कुलर डिजीज़ है, तो आपको IV मतलब इम्यूनोग्लोबिन लेने पड़ेंगे। अगर वारफरिन ओवरडोज़ विटामिन के लेनी पड़ेगी। हेपरिन ओवरडोज है तो हमारे पास प्रोटामीन आपको जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया है, अगर जुबान में मसला अल्सर्स हैं बोल के अपने, तो आपको क्लेडराबीन लेनी पड़ेगी। मल्टीपल मेलोमा है तो मेलफेलिन लेनी पड़ेगी। अगर CML आपको हो गई है तो आपको इमेटिनिब लेनी पड़ती है। CML का मतलब होता है कि आपको ल्यूकेमिया है, ठीक है ना। अगर आपको ल्यूकेमिया है, मायलोइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक मायलोइड ल्यूकेमिया, तो आपको इमेटिनिब लेनी पड़ेगी। अगर वैगनर्स नेमाटोसिस है तो आपको साइक्लोफोसामाइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको HOCM का मतलब जो है वो है कि ना कार्डिक मायोपैथी आपको, ठीक है ना, हाइपरट्रॉफिक जो है ना कार्डिक मायोपैथी है, तो प्रोपैनोलोल लेनी पड़ती है। अगर आपको डिलीरियम है, ट्रीमर्स पड़ते हैं, दोहरे डैसिपैन लोगे। अगर आपको ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है तो आपको लेनी पड़ेगी हमारे पास जो बेंथेक्सोल, ठीक है। अगर आपको जो है डायक्यूमरोल पॉइजनिंग है तो विटामिन के लेनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन से स्टेरॉइड लेनी पड़ेगी। टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन तो थ्रेडोमाइड लेनी पड़ेगी। अगर आपको एलर्जी कॉन्टेंट डर्माइटिस है कि आपको किसी चीज़ में सल्फर के कॉन्टैक्ट से किसी कॉन्टैक्ट से डर्माइटिस होता है, स्किन की इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है, आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपको जो है PSVT है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट डोज लेनी पड़ेगी एडिनोसिन की, सेकंड वगैरह पर मिलेगी, और थर्ड आपको जो है डिटॉक्सिन की जो है। PSVT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल सुपरटैक्लर वेंट्रिकुलर कार्डिया, ठीक है। अगर ZD सिंड्रोम है तो ZD सिंड्रोम है तो मतलब ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेने पड़ेंगे। अगर आपको जो है वो कैनक्रोइड है, ठीक है, तो आपको कोट्रिमोक्सोल लेनी पड़ेगी। डर्मेटाइटिस हेपेटिक फॉर्मेस है, डेप्सोन लेनी पड़ेगी। अगर स्पेस्टिक टाइप सेरिब्रल पैलेसी डायजीपैम लेनी पड़ेगी। अगर हर्पस सिंप्लेक्स क्रेडाइटिस है तो ट्राइफ्लुइडिन लेनी पड़ेगी। हर्पस सिंप्लेक्स ओरली बैलिस है तो पेन साइक्लोविट लेनी पड़ेगी। न्यूनाटाइट हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है तो ये साइक्लोविन एंटीवायरल लेना पड़ेगा। अगर न्यूमोनोसाइटिस क्रेन नमूनी है तो कोट्रिमोक्सोल लेनी पड़ेगी। अगर सिस्टिक आपको एक्नी है, सिस्टिक एक्नी हुई है तो नेटिनोइड लगाना पड़ेगा। अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरलजी है तो कारोमेजिपिन लेनी पड़ेगी। अगर आपको एक्टिनोमाइकोसिस है तो पेनिसिलिन जो है आपको लेनी पड़ेगी। और प्लेग्यू हो गया आपको, मतलब फ्लीस है, तो आपको जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन लेनी पड़ेगी।